हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किरण शांति कुंज। आज हम मैंगो कस्टर्ड बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम दो मीडियम हम मैंगो को इस तरह से रफली काट कर ले लिए हैं। इसको हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम दो चम्मच चीनी डाल दिए हैं। चीनी हम ज़्यादा नहीं डाले हैं, आप लोग को जो जैसा मर्जी हो, जैसा खाते होंगे वैसा डालिएगा। और ये मेरा घर का मलाई है, थोड़ा सा इसमें हम डाल देते हैं और इसको हम अब फाइन पेस्ट बना के इसका हम लाते हैं। और हम आधा लीटर दूध भी चढ़ा दिए थे, तब तक ये मेरा तैयार हो रहा है। अब हम आगे की प्रोसेस की ओर चलते हैं। इस तरह से हम ये मिक्सी के जार में इसका हम फाइन पेस्ट बना के ले आए हैं। अब हम आगे प्रोसेस की ओर चलते हैं। दूध में मेरा अच्छी तरह से उबाल आ गया है और ये हम दो चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिए हैं, वेनिला कस्टर्ड पाउडर लिए हैं। इसको हम ठंडे दूध में ही, रूम टेम्परेचर वाला जो दूध था उसी में हम इसको अच्छा से घोल के रख लिए हैं। अब इसको हम धीरे धीरे इसमें डालेंगे और मिलाएंगे, और डालते समय ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल हम चलाते रहें। धीरे धीरे डालना है और चलाते रहना है। चलाते नहीं रहने से लंप हो जाता है, इसलिए इसको हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे। इस तरह से ये मेरा तैयार हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको हम ठंडा होने देते हैं, तो फिर हम आगे की प्रोसेस की ओर चलेंगे। गैस को बंद कर देते हैं। इसमें हम अब जो आम का हम प्यूरी तैयार किए थे उसको हम धीरे धीरे डालेंगे और चलाते रहेंगे। इसको अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे, जो बिल्कुल ही अच्छी तरह से मिल जाए। और ये हम बताना चाहेंगे, अगर हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए कितना अच्छा से ये तैयार हो गया है, इसका टेक्सचर कितना ही अच्छा लग रहा है। इसमें थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं और इसको हम फ्रीज में ठंडा होने के लिए कुछ देर, करीब 15-20 मिनट इसको हम रख देते हैं। इस तरह से हमारा ये मैंगो कस्टर्ड तैयार हो गया है। अब इसको हम गार्निश करते हैं। ये छोटा छोटा टुकड़ा हम आम का काट के रख लिए थे, इसको हम इसके ऊपर डेकोरेट कर देते हैं। मैंगो कस्टर्ड है तो मैंगो दिखना चाहिए और ये खाने में फिर अच्छा लगता है। जब मुँह में आता है इसका टुकड़ा तो काफ़ी ही टेस्टी लगता है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। और थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट्स में काजू है, किशमिश है, अखरोट है और इसको हम बादाम है, गार्निश कर दिए हैं। देखिए कितना ही यम्मी लग रहा है। ये मेरा मैंगो कस्टर्ड बनके तैयार हो गया है। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।